हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डीपली कवर करने वाले हुल मूविंग एवरेज के बारे में। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग होंगे कि जिन्होंने सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ किया होगा या तो फिर सुना होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हुल मूविंग एवरेज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक बिना स्क्रिप्ट के देखते रहिए, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हुल मूविंग एवरेज जो है, हुल मूविंग एवरेज वो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा है, लेकिन इनका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं और उनको मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप हुल मूविंग एवरेज के बारे में ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होगी, और आप जो 100 ट्रेड करोगे इसमें से 90 ट्रेड आपका सही जाएगा, और आपको एक बड़ा ट्रेड पकड़ने में वो आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इनका यूज़ कैसे करने का। देखिए मैंने यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट लिया हुआ है। आप किसी भी कंपनी का चार्ट ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैंने टाटा स्टील का लिया तो आप भी टाटा स्टील का चार्ट लें। देखिए यहाँ पे आपको स्टडीज़ में जाने का है, ऊपर स्टडीज़ में आपको सर्च बार में लिखने का है मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जैसे ही मूविंग एवरेज लिखोगे तो आपको देखिए नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे मूविंग एवरेज। ठीक है, आपको देखिए यहाँ के पे में कुछ सेटिंग दिया है, सेटिंग में आपको क्या करने का है, जो 50 दिया है इसकी जगह आपके कर देने का है 20, क्योंकि हमें 20 ही चाहिए, 20 डेज का ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लोज में क्लोज ही रखने का है, क्लोजिंग प्राइस पे ही हमें चाहिए। यहाँ पे जो सिंपल लिखा है ना उस पर आपको टच करने का है, अगर सिंपल पे तो टच करोगे तो ऐसे आपको दिख जाएगा नीचे जाने का हुल एच यू डबल एल जो लिखा है वहाँ पर जाके आपको हुल को टच कर लेने का है। अब देखिए यहाँ पे कलर दिया हुआ है, आप चाहे तो किसी भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, डन। देखिए अब आपके चार्ट के ऊपर हुल मूविंग एवरेज लग गया है। अब देखिए दोस्तों ये लग तो गया है, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड ले आप कहाँ कैसे ट्रेड लोगे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो इनको आप सरल करने का है तो आपको फिर से स्टडीज़ में जाने का है, मूविंग एवरेज में जाने का है, और ये जो 15 लिखा है उसकी जगह पे आपको कर देने का है 20, और ये सिंपल को सिंपल ही रहने देने का है, और नीचे जैसा है सेटिंग वैसा ही रखने का है आपको, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। ठीक है, देख लीजिए अब हो गया सरल। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको करने का क्या है। देखिए ये ग्रीन लाइन है वो है हुल मूविंग एवरेज, और एक कैंडल चल रही है वो प्राइस है वो तो आप जानते हैं, और रेड कलर में दिख रहा है वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों इसमें ट्रेड लेने का एक सरल सिंपल आसान तरीका ये होता है कि जब भी ये हुल मूविंग एवरेज जो ग्रीन वाली लाइन है वो रेड वाली लाइन यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर निकलती है तब आप में इसमें पोजीशन बनाने की होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्रॉस ओवर किया, ये कैंडल थी कि जिसके आपको ट्रेल लेने का था, यहाँ पे आपने ट्रेल लिया होता तो इसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आई, और आपको सेल करने का है तो बिल्कुल उल्टा। जब भी हुल मूविंग एवरेज की लाइन रेड वाली लाइन यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की ओर आती है तो आपको सेल करने का है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एकदम क्लियर कि यहाँ पे बाय करने का, यहाँ पे सेल करने का, वो दोस्तों आसान तरीका है। इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादातर ट्रेड आपका सही जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।